हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार हूँ सर। नहीं तो शादी जब आपकी हुई तब ये क्या? तब हम लोग दोनों लोग पढ़ाई करते थे, उसको हमने पढ़ाया लिखाया। शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई तो यही एक शिक्षक के साथ अपना आइडेंटिटी असिलेशन बना रखी है। पदस्थापना के बाद मेरी पत्नी को षड्यंत्र साजिश छल कपट बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बगला लिए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं। यूपी के अमेठी से एसडीएम ज्योति मौर्य प्रकरण जैसा ही मिलता जुलता मामला सामने आया है। आलोक की तरह ही मध्य प्रदेश में रीवा के रहने वाले सुशील मिश्रा ने अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं। सुशील इंसाफ के लिए महीनों से अमेठी के पुलिस अधीक्षक दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, अपना शिकायती पत्र लेकर भटक रहे हैं। दरअसल सुशील मिश्रा की रीवा की ही रहने वाली एक लड़की से 2013 में शादी हुई थी। शादी के वक्त सुशील की पत्नी 12वीं तक ही पढ़ी थी। सुशील के मुताबिक उन्होंने पत्नी को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सुशील की पत्नी एक नर्स बन गई, बाद में उन्हें अमेठी के सैनिक स्कूल में नौकरी मिल गई और फिर सुशील की पत्नी ने उन्हें धोखा दे दिया। उसने सुशील से संबंध तोड़ लिया। सुशील का कहना है कि उनकी पत्नी का स्कूल में ही तैनात एक शिक्षक के साथ अवैध संबंध। सुशील की एक 5 साल की बेटी भी है। सुशील के मुताबिक उन्होंने पत्नी के नाम रीवा में एक जमीन भी ले रखी थी जिसके कागजात वो अपने साथ ले गई। समस्या ये है सर कि हमारी 2013 में शादी हुई थी, लड़की रहने वाली रीवा की है, अनंतपुर की है। उसको हमने पढ़ाया लिखाया शादी के बाद। शादी के बाद जब ये सैनिक स्कूल अमेठी में नर्स हो गई तो यही एक शिक्षक के साथ अपना आइडेंटिटी असिलेशन बना रखी है। शिक्षक मार्कंडेय पांडे जो कि यहाँ गणित के टीजीटी हैं। पदस्थापना के बाद मेरी पत्नी को षड्यंत्र साजिश छल कपट बेईमानीपूर्ण आशय से मेरी पत्नी को शादी के लिए बगला लिए हैं। हमारा वैवाहिक संबंध विच्छेद करके मेरी पत्नी के साथ शादी करना चाहते हैं, जिसकी शिकायत हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय, एडीएम साहब को कई बार दिया, विभाग में कई बार दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ मानसिक रूप से। हमें लगातार 2 साल से प्रताड़ित किया जा रहा बहुत ही ज़्यादा। क्या करते हैं आप? मैं बेरोजगार हूँ सर। नहीं तो शादी जब आपकी हुई तब ये क्या? तब हम लोग दोनों लोग पढ़ाई करते थे। उसके बाद कैसे यहाँ? उसके बाद जब से ये 2021 में पदस्थापना हुई है, इसकी पदस्थापना के बाद से ही हमको लगातार हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज तक हमने कई बार कब शिकायत की लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्कूल प्रशासन हमें रोक लगा रखी है बिना किसी न्यायालय के आदेश से। आज 2 साल से स्कूल प्रबंधन हमको ना तो पत्नी के कमरे में जाने दे रही है, ना ही हमारी बिटिया से मिलने दे रही है। 5 साल की हमारी एक बच्ची है। सुशील की बातों में कितना दम है, उन्होंने पत्नी पर जो आरोप लगाए उनमें कितनी सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से सुशील कैमरे के सामने अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उसे देखकर तो मामला ज्योति मौर्य प्रकरण जैसा ही मालूम हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।